दिखाइए, इधर इधर दिखाइए, ये पूरे लोग जो हैं वो नहाने आए हुए हैं। इस चलचलाती धूप में और उमस भरी गर्मी में पूरा जो है इंजॉय का पूरा साधन इन लोगों ने खोज रखा है। चिलचिलाती गर्मी से पूरा उत्तर भारत परेशान है। तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जा रहा है। इससे पूरे उत्तर भारत में लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। लोग ठंडे जगहों की तलाश में जा रहे हैं, शिमला मनाली जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर के लोगों ने एक फ्री का जुगाड़ खोज रखा है। वो ये जगह है, आप देख रहे हैं पीछे, दूर तक आप अगर कैमरा जूम करके दिखाएं तो उधर दूर तक देखिए लोग आपको पानी में नहाते हुए दिख रहे होंगे, और इसके अलावा तमाम बाइक्स दिख रही होंगी उधर, जो यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आपको जगह बताएं तो ये जगह गोरखपुर में खोराबार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मिर्जापुर में है, और ये राप्ती नदी है। राप्ती नदी का पानी है, और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पीपे का पुल है, और यहाँ पर कम से कम इस समय मुझे लगता है 300 से 400 लोग नहाने आए हुए हैं, और ये प्रतिदिन से पिछले कम से कम 10 से 15 दिनों से आ रहे हैं लोग। ये देखिए ये लोग हैं जो नहा के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी ये बताइए कितने दिनों से नहाने आ रहे हैं? दो दिन से यार, बहुत मस्त लग रहा है, एकदम बेस्ट। हाँ। पैसा भी नहीं लग रहा, फ्री है? फ्री सेवा है। हाँ। एक नंबर का गंगा जैसे नहाते हैं अयोध्या में, उसी तरह आनंद आ रहा है। हाँ। और उससे भी ज्यादा यहाँ पर जनता जुटी हुई है। जनता जुटी हुई है। हाँ, एक नंबर। तो कैसे पता चला इस जगह के बारे में? इस देसी गोवा बीच है। देसी गोवा बीच है, देसी गोवा, एकदम हमारा आनंद आता है यहाँ। गर्मी में राहत मिल, एकदम बहुत राहत मिल रहा, प्यार से राहत ले रहे हैं। हाँ, एकदम आनंद। फ्री में आराम से आदमी, गर्मी का 200 लग रहा है, 500 से। अरे वही कह रहे हैं, 200, 500, 700 जो भी है, फ्री है। जहाँ भी जाएंगे मान लीजिए पैसा लगेगा, यहाँ फ्री सेवा है, एकदम फ्री में आनंद, गर्मी का आनंद लीजिए। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, अभी धूप में आप लोग नहा रहे, तभी तबीयत खराब नहीं? एकदम नहीं, यहाँ सब देसी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जा रहे हैं 2-3 बजे। अच्छा, 12 बजे से आए हैं, अब 1-2 बजे नहा के जा रहे हैं। 7-8 बजे और आगे आइए, और भी दिखाएं, दृश्य दिखाएं। ये पीपे का पुल आपको बता दें, ये देखिए ये पीपे का पुल है, और पुल के उस पार जाने का रास्ता है, और यहाँ पर लोगों ने इसको बीच बना रखा है। ये देखिए पास से दिखाएं तो इधर भी लोग नहा रहे हैं और इधर भी नहा रहे हैं। इधर देखिए सारे लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अगर इनको थोड़ी सी राहत मिल रही है, वो भी बिना किसी फीस को चुकाए निःशुल्क में, तो समझिए इनके लिए क्या है। आप भी समझिए, इस समय तापमान जो है 40 से 42 डिग्री तक है, और चिलचिलाती धूप है। महीनों दिन से यहाँ पर पूरे उत्तर भारत में इस तरह की गर्मी पड़ रही है, उससे राहत के लिए लोग दूर दूर तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोरखपुर में, गोरखपुर के जुगाड़ू लोगों ने एक नया जुगाड़ खोज रखा है। इधर देखिए, इधर दिखाइए, ये रस्से के सहारे जो है किस तरह से जंप कर रहे हैं लोग, और मज़ा, अपना फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। इधर देखिए, ये जो है ये पूरा जो गोरखपुर है, गोरखपुर का जो ग्रामीण है, आप इसे कह सकते हैं देसी वाटर पार्क। अरे टट्टर, इसको दिखाइए। क्या कह रहे हैं? टट्टर, इसको दिखाइए। इसको देसी वाटर पार्क कहेंगे कि नहीं? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, देसी वाटर। ये देखिए, ये इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, संदीप भाई साहब इधर हट जाइए, इधर दिखाइए, ये देखिए, ये दूर दूर तक आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोग इस चलचलाती धूप में नहाने आए हैं। और जो है ये देखिए, ये जो है ये देखिए, ये जो है इनका जो है एंजॉय करने का क्या तरीका है। हालांकि आपको फिर से बताएं, ये इस तरह से नहाना सुरक्षित नहीं है, किसी को चोट लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इस गर्मी के आगे वो सब फिक्र छोड़कर लोग सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लोग नहाने जुटे हुए हैं। अगर इस जगह के बारे में आपको बताएं तो खोराबार ब्लॉक में मिर्जापुर गांव पड़ता है, वहां पर ये पीपे का पुल है, और ये नदी के राप्ती नदी पर है, और उस छोर से उस छोर को जोड़ता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हरिंदर राजभर। इसको छोड़ दिया, हरिंदर राज। कितने दिनों से नहाने आ रहे हैं? हम तो साल भर से यहीं पे, मेरा घर ही है। नहीं, आप यहाँ नहाने कब से आ रहे हैं? हम तो सुबह से आए हैं। सुबह से आए हैं। हाँ। कितने दिनों से भीड़ हो रही है इस तरह से? महीना दिन से ऊपर ऐसे भीड़ हो रही है, ऐसे दो तीन महीना जब से गर्मी पड़ रही है। ऐसा बाइक देख रहे हैं इधर उधर, मुझे कार उधर, गाड़ियाँ, कार और कार खड़ी है, लोग
दूर दूर से भी आ रहे हैं? बहुत दूर, देवरिया से आते हैं सब। देवरिया से आ रहे हैं? आप पूरा गोरा मिला था, वो कह रहा हाटा कुशीनगर से आ रहे हैं, हाटा से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर कसिया हाटा नगर कुशीनगर सोनबरसा इधर नौसर से लेके एकदम जीतपुर से भी आ रहे हैं, जीतपुर से भी आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। आप कहाँ के रहने वाले? गायघाट। गायघाट से यहाँ आने आए? जी जी जी। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, गर्मी का मजा ले रहे हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं। गर्मी कम हो रही है? अभी कहाँ कम हो रही है, अभी तो बहुत है। क्या नाम भाई साहब आपका? छोटू। छोटू, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ये देखिए, आप इधर आ जाइए, कुछ इधर भी दिखा दें, और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए ये जो है, ये पूरा दृश्य देखिए, ये इधर भी है, लोग नहाने आए हुए हैं, इधर भी नहा रहे हैं सब, और इधर भी चारों तरफ, और मुझे पूरी तरह से घेर लिया है लोगों ने, और अपना खुशी पूरा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर इधर दिखाइए, ये पूरे लोग जो हैं वो नहाने आए हुए हैं इस चलचलाती धूप में और उमस भरी गर्मी में। पूरा जो है इंजॉय का पूरा साधन इन लोगों ने खोज रखा है। और यहाँ पर देखिए, ये राप्ती नदी है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर देसी लोग जो हैं निशुल्क वाटर पार्क बनाए हुए हैं, और अपना पूरा गर्मी का। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। चश्मा बड़ा शानदार है आपका। हाँ सर, बहुत देर चार दस बजे से आए हैं, अभी चार बजे तक नहाएंगे। पहली दिन आए हैं? हाँ, पहली बार है हमारा। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? हम आए खोराबार से। खोराबार में कहाँ से? खोराबार मेरा घर, खोराबार गाँव में। हाँ, कैसे पता चला कि यहाँ पर नहाने? हमारे दोस्त लोग फोन करके बोले हैं कि आप आ जाओ, तो हम आए हैं। ये देखिए, ये जो है, हालांकि इस तरह से सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर प्रशासन को सुरक्षा के कुछ इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि इस तरह से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, उसको देखते हुए लोगों ने जिस तरह से एक देसी जुगाड़ खोजा है गर्मी से बचने के लिए, और ठंड मतलब अपने आप को थोड़ा सा ठंडापन देने के, थोड़ी शीतलता प्रदान करने के लिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, और दूर दूर से आए हुए हैं, कोई कुशीनगर से आया है, कोई देवरिया से आया है, और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं भाई साहब साइड में हट जाइए वरना आपको ढकेले, बिल्कुल। और ये देखिए, इधर दिखाइए, हट जाए इधर दिखाइए, दिखाई दीजिए इधर देखिए, ये भाई इधर हट जाइए। ये देखिए, ये जो लोग हैं, ये देखिए, इधर भी नहा रहे हैं, उधर भी नहा रहे हैं, तमाम का इधर भाई साहब प्रशासन दे दो जी बचाव के लिए, ताकि सुरक्षा के उपाय किए जा सके। कोई दुर्घटना नहीं हुई अभी तक? पांच लोगों की जान गई है, पांच लोगों की। अरे आप फर्जी बात ना बताओ, किसी का दुर्घटना नहीं हुआ है? कोई दुर्घटना नहीं हुई? नहीं, किसी का नहीं। लेकिन सुरक्षा जरूरी है, और इस तरह से कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आपको हम फिर से बताएं भाई, थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, आपको फिर से बताएं कि ये जगह जो है गोरखपुर में, मिर्जापुर में है भाई साहब, भाई मिर्जापुर में ये जगह है, और लोगों ने गर्मी से बचने के लिए पूरा उपाय खोज रखा है, गर्मी से बचने के लिए, नहीं 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 गर्मी से बचने के लिए जो है लोगों ने उपाय खोज रखा है। और इस तरह से गोरखपुर में जो भाई साहब उतार दीजिए, बस उतार दीजिए, तो ये जो गोरखपुर में जो लोगों ने नया ठिकाना खोज रखा है, इसके बारे में हम आपको दिखा रहे थे। बाकी आप तक और खबरें पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।